इंडियन टेक्सप्रेनर्स फेडरेशन भारत के सबसे स्फूर्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएशंस में से एक है और इसका उद्देश्य सहयोगी विकास और सहकारी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। ITF टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के समूचे वैल्यू चेन का 510 कंपनियों के मेंबर बेस व 40,000 करोड़ रुपए की संयुक्त वार्षिक बिक्री के साथ प्रतिनिधित्व करता है। ITF ने मैन्युफैक्चरिंग में उत्कृष्टता हासिल करने और सदस्यों को घरेलू व वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी तथा सशक्त बनाने की अपनी यात्रा में कई परियोजनाएं शुरू की हैं। ITF ट्यूटोरियल वीडियो ITF प्रोफेशनल्स द्वारा शॉप फ्लोर पर श्रेष्ठ आचरण के संबंध में विकसित शैक्षणिक वीडियो की एक श्रृंखला है। आप रिंग फ्रेम ऑपरेटर का प्रशिक्षण वीडियो देख रहे हैं। ऑपरेटर को शिफ्ट शुरू होने से 20 मिनट पहले आना चाहिए। ऑपरेटरों को प्रबंधन द्वारा स्वीकृत यूनिफॉर्म या फॉर्मूला ड्रेस में ड्यूटी पर उपस्थित होना चाहिए। ऑपरेटरों को फेस मास्क, कैप, एप्रन या हिप बैग पहनना चाहिए। ऑपरेटरों को कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गर्दन की लंबी चेन, चूड़ियां, अंगूठियां आदि नहीं पहननी चाहिए। वर्तमान शिफ्ट ऑपरेटर को पिछली शिफ्ट के ऑपरेटर से स्टॉपेज, बदलाव या पिछली शिफ्ट में किए जाने वाले फॉलो अप के बारे में पूछना चाहिए और जानना चाहिए। ऑपरेटर को विभाग में जांच और बेहतर हाउसकीपिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। किसी भी कॉप्स को डफिंग के दौरान फर्श पर गिरे बॉबिन्स को तुरंत हटा देना चाहिए। ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओवरहेड नॉजल हमेशा सही स्थिति में हो। यदि किसी वजह से ओवरहेड क्लीनर बंद हो जाता है तो इसकी सूचना PO SPO को दी जानी चाहिए। ऑपरेटर को गिनती, बॉबिन का रंग और किसी भी निर्देश के लिए डिस्प्ले बोर्ड की जांच करनी चाहिए। यदि शिफ्ट के शुरू में कोई शिफ्ट बैठक हो तो दिए गए निर्देशों को सुने और किसी भी संदेह को दूर करें या स्पष्टीकरण को समझें। मशीन से कोई असामान्य आवाज आए तो तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें। यदि डिपार्टमेंट के अंदर कोई धुआं या गलन हो तो इसकी सूचना PO SPO को दें। मशीन में कोई समस्या हो तो तत्काल PO SPO को सूचित करना चाहिए। निष्क्रिय स्पिंडल का तुरंत जायजा लिया जाना चाहिए। यदि यान में कोई पतला, मोटा या स्लब पाया जाता है तो तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें। यदि ऐसा मेंटेनेंस में त्रुटि की वजह से है तो इसकी सूचना मेंटेनेंस के जिम्मेदार व्यक्ति को दी जानी चाहिए। रोविंग बॉबिन्स को बदलते समय यह सुनिश्चित करें कि मिश्रित ग्रुप बॉबिन्स के मामले में काउंट, कलर, लॉट का पालन किया जाए। बॉबिन परिवर्तन के दौरान सुनिश्चित करें कि रोविंग की न्यूनतम लंबाई ली गई हो। ये भी सुनिश्चित करें कि पुराना बॉबिन अंतिम परत तक खत्म हो। रोविंग अपशिष्ट को अपने बैग में अलग से रखें। यदि स्वचालित रोविंग ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है तो सुनिश्चित करें कि खाली बॉबिन चलते हुए बॉबिन होल्डर्स पर ठीक से लगाए गए हैं। क्षतिग्रस्त रोविंग बॉबिन को निकालें और अलग रखें। रोविंग बॉबिन्स को बदलते समय रोविंग गाइड रॉड्स और क्रिल को साफ करें। रोविंग की गेटिंग करते समय सुनिश्चित करें कि कोई क्रॉस गेटिंग नहीं हो। ये भी सुनिश्चित करें कि ये गाइड रॉड्स पर ठीक से लगा हो। कभी भी ड्राफ्टिंग जोन क्षेत्र में रिंग, सिंप्लेक्स, खाली बॉबिन न रखें। खाली रोविंग बॉबिन को केवल स्पेयर होल्डर पर ही रखें। सुनिश्चित करें कि टॉप आर्म हैंडल्स पूरी तरह से दबे हों। ऑपरेटर को क्रेडल में अपशिष्ट पैक करने से बचना चाहिए। फ्रंट और बैक टॉप रोलर्स को इंटरचेंज न करें। साथ ही टॉप रोलर को मशीन से मशीन में न बदलें। स्पेसर्स के किसी भी मिश्रण और स्पेसर्स के गायब होने से बचें। मशीन में चल रहे टॉप रोलर या एप्रन के क्षतिग्रस्त होने पर PO को सुनिश्चित करें।
सुनिश्चित करें कि सभी एप्रन ठीक से चल रहे हैं। ड्राफ्टिंग जोन क्षेत्र को हमेशा साफ स्थिति में रखा जाना चाहिए। ब्रेक को अटेंड करने से पहले ड्राफ्टिंग क्षेत्र में किसी भी फ्लफ को साफ किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि कॉम्पैक्ट स्पिनिंग में यान स्लॉट में चल रहा हो। कॉम्पैक्ट एप्रन व एली ट्यूब की सफाई सुनिश्चित करें। रोलर लैपिंग को हटाने के लिए चाकू, धातु की वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पीसिंग करते समय सुनिश्चित करें कि रोलर नेक फ्लफ से मुक्त हो। नीचे वाले एप्रन के बिना न चलाएं। यदि न्यूमाफिल सक्शन ट्यूब में कोई रुकावट है तो इसके आखिरी सिरे की पीसिंग से पहले इसे साफ करें। सुनिश्चित करें कि न्यूमाफिल सक्शन ट्यूब ठीक से लगे हों। क्षतिग्रस्त रिंग बॉबिन का उपयोग न करें। नी ब्रेक लगाने और स्पिंडल को रोकने के बाद ही कॉप्स को स्पिंडल से बाहर निकालना चाहिए। सुनिश्चित करें कि कॉप्स को निकालते समय SSM सेंसर में गड़बड़ी ना हो। आखिरी सिरे की पीसिंग करते वक्त यदि कोई ट्रैवलर लोडिंग नजर आए तो पहले फ्लफ को हटा दें और फिर पीस करें। ट्रैवलर क्लियर सेटिंग से छेड़छाड़ ना करें। टूटे हुए सिरे की पीसिंग करते वक्त क्लियर रोलर को हर बार हाथ से साफ करना चाहिए। सिरों की पीसिंग करते वक्त न्यूनतम लंबाई लें यान की लगभग 6 mm लंबाई। डबल गेटिंग ओवर पीसिंग नहीं करना चाहिए। ब्रेक अटेंड करते समय कॉप्स को पीसिंग के लिए बाहर नहीं ले जाना चाहिए। जब भी कॉप लिया जाता है तो सुनिश्चित करें कि सिरे की पीसिंग से पहले बॉबिन पूरी तरह दबे हों। ऑपरेटर को प्रत्येक राउंड में न्यूमाफिल अपशिष्ट को हटाना चाहिए। यदि अलग अलग रिंग फ्रेम में अलग अलग मिक्सिंग चल रहे हैं तो ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपशिष्ट मिश्रित न हो। रोविंग अपशिष्ट, यान अपशिष्ट, लैपिंग अपशिष्ट को फर्श पर नहीं फेंकना चाहिए। सारा अपशिष्ट एप्रन या बैग में रखना चाहिए। ऑपरेटर को उच्च अधिकारी को बिना कोई सूचना दिए ओवरहेड क्लीनर को बंद नहीं करना चाहिए। ऑपरेटर को ओवरहेड ब्लोअर नोजल को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्पिंडल क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो पीओ को सूचित करें। ऑपरेटर को दिए गए पैक से ही रिंग ट्रैवलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फर्श पर गिराए गए पुराने ट्रैवलर्स यदि कोई हो तो उनका उपयोग न करें। सुनिश्चित करें कि ऑटो डॉफ मशीनों में बॉबिन लोडर द्वारा सभी कॉप्स हटा दिए गए हों। सुनिश्चित करें कि ऑटो डॉफ मशीनों के सभी स्पिंडल्स में बॉबिन लोड किए गए हों। यदि कोई पुर्जा गुम या क्षतिग्रस्त है तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें। ऑपरेटर को मशीन धीमी गति से नहीं चलाना चाहिए। ऑपरेटर को डिस्प्ले में सेटिंग्स या किसी भी डेटा को नहीं बदलना चाहिए। पीओ एसपीओ के निर्देश के अनुसार दोपहर के भोजन के अंतराल का ठीक से पालन किया जाना चाहिए। ऑपरेटरों को सुपरवाइजर को सूचित किए बिना बाहर नहीं जाना चाहिए। यहां तक कि प्राकृतिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए बाहर जाने से पहले एक वैकल्पिक व्यक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। कोई भी मशीन बिना ऑपरेटर के नहीं चलनी चाहिए। ऑपरेटर को बिना अनुमति के अन्य विभागों में नहीं जाना चाहिए। ऑपरेटर को काम के घंटों के दौरान दूसरों के साथ बेवजह समय नहीं बिताना चाहिए। किसी भी मशीन के रखरखाव के समय और मशीन के रुकने के समय के दौरान ऑपरेटर को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए। ऑपरेटर को कोई भी अन्य कार्य करना चाहिए जिसका निर्देश वरिष्ठों ने दिया हो। मशीन को अधिक देर तक रोकते समय टॉप आर्म को रिलीज कर दें तथा इसे दबाव से मुक्त रखें। शिफ्ट हैंडओवर समय में ऑपरेटर को महत्वपूर्ण स्टॉपेज प्रोसेस बदलाव की सूचना अगले शिफ्ट ऑपरेटर को देनी चाहिए व इसके बाद ही मशीन को छोड़ना चाहिए। यदि कोई गणना परिवर्तन की जाती है तो ऑपरेटर को बॉबिन कलर, रिंग कॉप कलर और उपयोग किए जाने वाले ट्रैवलर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में पता होना चाहिए। ऑटो डॉफ वाले रिंग फ्रेम। सुनिश्चित करें कि ऑटो डॉफ मशीनों में कॉप के शीर्ष से न्यूनतम 20 mm निकासी रखकर डॉफ लिया गया हो। सुनिश्चित करें कि सभी स्पिंडल में ग्रिपर उपलब्ध हों। सुनिश्चित करें कि सभी फुल बॉबिन हटा दिए गए हों और सभी स्पिंडल में केवल खाली बॉबिन लोड किए गए हों। ऑटो डॉफ वाले रिंग फ्रेम में किसी भी आपात स्थिति में मशीन को रोकने के लिए आपातकालीन रस्सी का ठीक से उपयोग करें।
जब ऑटो डॉफ काम कर रहा हो तब डॉफर्स को डॉफिंग क्षेत्र में अपना हाथ देने से बचना चाहिए। ऑटो डॉफर मशीन में स्पिंडल ब्रेक लगाकर ही स्पिंडल को रोका जाना चाहिए। ट्रॉली को रिंग फ्रेम के अंदर नहीं ले जाना चाहिए। सिंगल स्पिंडल मॉनिटरिंग सिस्टम से युक्त रिंग फ्रेम्स। सिंगल स्पिंडल मॉनिटरिंग सिस्टम से युक्त मशीनों में मशीन को पेट्रोलिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑपरेटर को एंड ब्रेक इंडिकेशन के आधार पर ब्रेक लगाना चाहिए। अपनी शिफ्ट के प्रवेश करते समय ऑपरेटर को सिंगल स्पिंडल मॉनिटरिंग सिस्टम के मॉनिटर में अपना नाम, नंबर आदि दर्ज करना चाहिए। ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि SSM सेंसर बिना किसी फ्लफ के साफ हो। जांच करें कि क्या कोई स्पिंडल सेंसर क्षतिग्रस्त है। ऑपरेटर को किसी भी व्यतिक्रम जैसे कि एंड ब्रेक, अवांछित, खिसकने, निष्क्रियता जानने के लिए मशीन डिस्प्ले यूनिट MDU की जांच करनी चाहिए व सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना चाहिए। अधिकतम ऑपरेटर दक्षता प्राप्त करने और न्यूमाफिल अपशिष्ट को कम करने के लिए एंड ब्रेक लिमिट इंडिकेशन का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। यदि ढीले तार हों तो उन्हें पोजिशन, रिंग फ्रेम डक्ट एंड, डॉफिंग सेंसर MCU से बांधा जाना चाहिए। रोविंग स्टॉप मोशन को सावधानी पूर्वक और सुचारू रूप से संभालना चाहिए। ऑपरेटर को ब्रेक इस तरह अटेंड करना चाहिए कि EM पेट्रोलिंग का समय यथासंभव न्यूनतम हो। ऑपरेटर को उससे संबंधित सभी रिपोर्ट्स जानने का प्रयास करना चाहिए और सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।